फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटे छोटे पॉट में लगने वाले छोटे हाइट के पौधे, यानी ऐसे पौधे जिसे आप बहुत ही आसानी से कम स्पेस में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं जहाँ स्पेस बहुत कम होती है। छोटे छोटे पॉट के अलावा हमारे पास रखने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं होता है। बड़े पॉट हम बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास बच जाते हैं ऐसे पौधे जो कि है छोटे छोटे हाइट के होते हैं, यानी जो कम स्पेस में ग्रो हो जाए और हाइट वाइज वो छोटा रहे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ पौधे शेयर करने वाली हूँ, जिसमें से कुछ फूलों वाले भी होंगे और कुछ आपके डेकोरेटिव प्लांट भी होंगे। तो दोनों मिक्स एंड मैच करके जब हम कोई गार्डन क्रिएट करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन बनके तैयार हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं कुछ पौधे, लगभग 15 पौधे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप इन कुछ पौधों को अभी इस टाइम नर्सरी से अगर परचेज करते हैं तो आप बहुत ही ईजीली, बहुत ही मिनिमम से प्राइस में एक सुंदर सा गार्डन बना सकेंगे, वो भी आप अपनी छोटी सी स्पेस में। तो फ्रेंड्स, इनमें से सबसे पहला प्लांट जो है ये है मैक्सिकन पिटूनिया, जो कि फूलों वाला प्लांट है और बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। और ये तीन कलर में आता है, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक, और एक ये वाइट आता है, और एक ये पर्पल कलर का आता है। तो बहुत ही छोटे हाइट में ये प्लांट रहता है। इसमें दो वेराइटी आती है, एक ये जो आप देख रहे हैं ये ड्वार्फ वेराइटी है जो कि कम हाइट की रहती है, और एक इसमें टॉल वेराइटी की भी आती है जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ा जंगल सा लुक उसमें आता है। तो आप कम जगह में लगाने के लिए आप इस तरह की ड्वार्फ वेराइटी का प्लांट को ही लगाएं। ये प्लांट आप नर्सरी से परचेस करने जाएंगे तो 25-30 रुपीज़ में आपको आसानी से मिल जाएगा और हर नर्सरी में आपको मिल जाता है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर ही लगाइए, बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और परमानेंट प्लांट है, पूरे साल हमारे पास रहता है। विंटर सीजन में डॉर्मेंसी में होने से ये प्लांट फूल देना बंद कर देता है, लेकिन प्लांट सही रहता है। फिर उसके बाद बाहर का मौसम आते ही आप इसे कटिंग से ढेर सारा बना सकते हैं। नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड्स, वो है ये प्लांट। फ्रेंड्स, जीनिया का प्लांट है और जीनिया की ड्वार्फ वेराइटी वाला जो पौधा होता है ये वही है। जीनिया में भी दो वेराइटी आती है, एक टॉल एक शॉर्ट। ये शॉर्ट वाली वेराइटी है जो कि छोटे हाइट में ही रहती है और खुद ब खुद एकदम से राउंड शेप लेते हुए ग्रो होता है। इसकी प्राइस की बात करें तो फ्रेंड्स, ये प्लांट 25-30 रुपीज़ में मिल जाता है बड़े ही आसानी से, और पूरे साल चलने वाला पौधा है। जब आपका ये प्लांट, इसमें जो फूल खिलते हैं वो फूल जब ड्राई हो जाते हैं तो उसे रख लीजिए, और फूल से आप इससे ढेर सारे पौधे बना सकते हैं, जो कि मैंने खुद अपने आप ढेर सारे पौधे इस प्लांट को बनाए हैं और बहुत ही आसानी से ये प्लांट प्रोपोगेट हो जाता है और आपके गार्डन में हमेशा ही बना रहेगा। छोटे से पॉट में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है और ढेर फूल खिलते हैं इसमें एक साथ। ये प्लांट भी फ्रेंड्स परमानेंट है। अगर एक प्लांट परमानेंटली आपके पास नहीं रहता है तो आप उसके सूखे हुए फूल से ढेर सारे पौधे बनाते रहिए, तो आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। तीसरे नंबर में जो प्लांट है फ्रेंड्स, वो है टोरेनिया का पौधा। टोरेनिया एक बहुत ही खूबसूरत सा फूलों वाला पौधा है, ये भी परमानेंट प्लांट ही होता है। मेरे पास ये प्लांट विंटर सीजन से अभी तक है और इसकी भी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसके जो सीड्स होते हैं, यानी फूल जो सूख जाते हैं, उसके बाद उसी में इसके सीड पॉट होते हैं, उसे अगर आप डाल देते हैं मिट्टी में तो उससे भी नया पौधा बन जाता है। तो मैंने कटिंग से भी लगाया है और ये मेरा पौधा जो है ये मेरे सीड से ग्रो हुआ पौधा है। इसकी जो मदर प्लांट है वो गर्मी तेज़ धूप की वजह से, गर्म हवा की वजह से मर गया था, तो इसे बस गर्म हवा यानी तेज़ धूप से आपको बचा के रखना, अदरवाइज ये छोटे से पॉट में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। प्राइस की बात करें तो ये 40-50 रुपीज़ में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, छोटे हाइट में, छोटी जगह में, छोटे स्पेस में, छोटे पॉट में लगाए जाने वाले पौधे के लिए सबसे अच्छा फूलों वाला पौधा ये आप देख सकते हैं, ये है क्यूवन बटरकप का पौधा। इसे आप बड़े पॉट में लगाएंगे तो ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, इसे अगर आप छोटे पॉट में लगाएंगे तो इस प्लांट की हाइट भी कम ही रहती है और बहुत ही खूबसूरत से इस तरह से येलो कलर के फूल खिलते हैं। पूरे साल ये प्लांट रह जाता है, विंटर सीजन में डॉर्मेंसी में चला जाता है, काफ़ी बार मर भी जाता है, लेकिन इसमें इतने सीड्स बनते हैं कि एक बार आपके गार्डन में आने के बाद ये पौधा आपके गार्डन से भी कहीं नहीं जाता, हमेशा आपके हर एक पॉट में आपको दिखने को मिल जाएगा। तो इस प्लांट को भी लगाना बहुत ही आसान है, सीड से बहुत ही आसानी से लग जाता है और केयर तो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती है, छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और फूलों की बात करें तो इसमें भर भर के फूल आते हैं, सबसे अधिक फूल जो इसमें खिलते हैं वो बारिश के मौसम में खिलता है।
इसके बाद फ्रेंड्स छोटे हाइट में छोटे पॉट में लगाने के लिए फ्रेंड्स आप अडेनियम के प्लांट को चूज कर सकते हैं। अडेनियम का प्लांट भी एक ऐसे प्लांट है जिसके लिए बड़े पॉट की जरूरत नहीं होती है और पूरे साल इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है। एक बार आता है, फूल खिलता है, फिर चला जाता है, फिर न्यू शूट्स आते हैं, फिर फूल खिलते हैं, फिर चला जाता है। इस टाइप से इसमें पूरे साल फूल खिलते ही रहता है। पॉट की बात करें तो इसके लिए बहुत बड़े पॉट की कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। छोटे से छोटे पॉट में भी ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है। ये प्लांट कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, साथ ही साथ इसमें सीड पॉट भी बनते हैं, आप उससे भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो प्राइस की बात करें तो ये अडेनियम का जो प्लांट है ये आपको नर्सरी में अगर सिंगल पेटल वाला फूल वाला पौधा लेते हैं तो आपको ये 60 रुपीज़ के अप्रॉक्स मिल जाता है, लेकिन अगर डबल पेटल वाला लेते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है, वो थोड़ा 100 रुपीज़ के ऊपर ही उसकी प्राइस होती है। पांचवें नंबर में फ्रेंड्स कम हाइट में फूलों वाले पौधे में आप फ्रेंड्स विंका सदाबहार के पौधे को लगा सकते हैं। विंका सदाबहार का जो हाइब्रिड वाला वेराइटी आता है उसकी हाइट छोटी ही रहती है, कम ही रहती है, तो उसे आप लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स बारिश के मौसम में इस प्लांट को आप थोड़ा इग्नोर करिए, अवॉइड करिए। अगर लगाना है तो आप बारिश के मौसम में आप ये देसी वाली वेराइटी जो है इसे भी आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सारी ये देसी वाली वेराइटी का पौधा ही है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ आप देख सकते हैं, काफ़ी बूसी घना। इसे पिंच कर करके मैंने इतना घना बूसी बनाया और छोटे हाइट में मैंने रखा, तो बहुत ही आसानी से आप देसी वाली वेराइटी को आप पूरे साल लगा के रख सकते हैं और ढेरों फूल पा सकते हैं। इसमें पूरे साल फूल खिलते रहता है और देसी वाली वेराइटी अगर परचेज करेंगे तो ये 15-20 रुपये में आपको मिल जाता है, और हाइब्रिड वाला अगर विंका सदाबहार के पौधे को आप परचेज करना चाहते हैं तो ये अप्रोक्स 25 या 30 रुपीज़ में आपको मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप छोटे हाइट के पौधे में फ्रेंड्स आप ये पोर्सलिन के प्लांट लगा सकते हैं। पोर्सलिन के प्लांट भी छोटे हाइट में ही रहता है, हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत ही प्यारा लगता है, ढेर सारे कलर में इसमें फूल आते हैं, कटिंग से बहुत ही आसानी से ये प्लांट लग जाता है, तो इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये आप 10 से 15 रुपये में आपको नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगला जो पौधा है जिसे कि आप छोटे हाइट में रख सकते हैं वो है फ्रेंड्स मॉस रोज। मॉस रोज भी ऐसा ही पौधा है जो कि छोटे हाइट पे रहता है, हैंगिंग बास्केट में लगा के आप इस अपने गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। ढेरों कलर में आता है, कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है और पूरे साल रहने वाला पौधा है। ये जो आप देख रहे हैं ये देसी वेराइटी है तो ये पूरे साल रह जाता है। एक इसमें हाइब्रिड वाला आता है वो पूरे साल नहीं रहता, आपको उसके सीड्स को कलेक्ट करके रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स लगभग 7 पौधे मैंने आपको फूलों वाले पौधे बताए जिसे कि आप अपने गार्डन में लगा के खूबसूरत फूल पा सकते हैं और छोटे पॉट में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ डेकोरेटिव प्लांट के बारे में जिसे कि छोटे पॉट में लगा के हम अपने गार्डन को डेकोरेट भी कर सकते हैं, कलरफुल भी बना सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला पौधा है ये रियो ट्राई कलर। रियो में एक देसी वेराइटी आती है जो कि 2 कलर का होता है, पर्पल और ग्रीन कलर का, बट उससे ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये वाला पौधा जो कि है रियो ट्राई कलर। इसमें काफ़ी सारे कलर आप देख सकते हैं, एक वाइब्रेंट सा कलर होता है जो कि हमारे गार्डन में काफी खूबसूरत सा लुक देता है। परचेस करने जाएंगे तो ये प्लांट आपको 30-40 रुपीस में मिल जाएगा और एक प्लांट परचेस करेंगे उसके समय के साथ ये ढेरों पौधे अपने आप ही बनते जाते हैं। इसके पास रूट के पास से बहुत सारे पौधे बनते हैं तो आप आसानी से टाइम टू टाइम आप इससे बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 4 बास्केट में इस पौधे को लगा रखा है। जब मैंने परचेस किया था तब मैंने एक ही पौधा परचेस किया था और समय के साथ इतने सारे पौधे मेरे पास बन गए। तो आप रियो ट्राई कलर जरूर ही अपने गार्डन में ऐड करिए, बहुत ही इजी टू ग्रो और हार्डी प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है क्रोटोन। क्रोटोन भी एक कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट है जो कि बहुत ही आसानी से आप छोटे छोटे पॉट में इसे ग्रो कर सकते हैं। छोटे हाइट में कम जगह पे कम स्पेस पे रख के कलरफुल गार्डन तैयार कर सकते हैं। कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। क्रोटोन में कई सारी वेराइटी आती है, इसमें से कुछ वेराइटी आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेगा और कुछ आपको थोड़ा मिनिमम से प्राइस में मिल जाएंगे। तो लगभग इसकी प्राइस जो है वो शुरू होती है 50 रुपीज़ के आसपास से और जैसे जैसे इसकी वेराइटी आती है वैसे वैसे इस प्लांट के प्राइस भी ज़्यादा होते हैं। तो प्लांट छोटा परचेस करेंगे तो आपको कम दाम में ये प्लांट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और छोटे से पॉट में आप आसानी से लगा के अपने गार्डन को कलरफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है फ्रेंड्स वो है कोलियस। कोलियस बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है। कलरफुल गार्डन क्रिएट करने के लिए कोलियस के प्लांट को तो हमें ज़रूर ही अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए जो कि मिनिमम से प्राइस में मिनिमम से केयर में हमारे गार्डन को काफ़ी सुंदर और कलरफुल बना देता है और स्पेस भी बहुत कम लेता है। छोटी सी स्पेस में हमारे पास इस प्लांट से बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन बन जाता है।
प्राइस की बात करें तो फ्रेंड्स कोलियस के प्लांट को आप बहुत ही आसानी से नर्सरी से 25-30 रुपए में परचेस कर सकते हैं। अगला प्लांट जो है फ्रेंड्स वो है ये जेड प्लांट। जेड प्लांट को ग्रो करने के लिए फ्रेंड्स बहुत बड़े पॉट की जरूरत नहीं होती है, बहुत ही खूबसूरत से छोटे छोटे पॉट में, आप सेरामिक के पॉट में हो या डिजाइनर पॉट में हो, आप इसे लगा के ग्रो कर सकते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसकी ढेर सारी बोनसाई बनती है, टोपियारी बनती है, ऐसे टोपियारी बोनसाई ये सब बना के आप अपने गार्डन को खूबसूरत भी बना सकते हैं, एक अलग सा लुक भी दे सकते हैं और छोटे सी स्पेस में इस पौधे को लगा के अपने गार्डन को खूबसूरत भी बना सकते हैं। फिर अगला प्लांट है फ्रेंड्स ये पेंसिल कैक्टस। पेंसिल कैक्टस एक अलग सा लुक हमारे गार्डन में क्रिएट करता है। नॉर्मली पत्तियों वाले पौधे तो हम ढेर सारे लगाते हैं, बट ये प्लांट कुछ ऐसा है जिसमें पत्तियाँ होती है बट बहुत ही बारीक बारीक होती है, जिसको नहीं होने बराबर ही हम कह सकते हैं। इसकी खूबसूरती इसकी स्टेम होती है और ये अलग सा एक लुक हमारे गार्डन में क्रिएट करता है, इसलिए पेंसिल कैक्टस को भी आप लगा सकते हैं। कैक्टस वेराइटी का ही एक ये प्लांट है, जो कि बहुत ही बड़े स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है इस प्लांट को लगाने के लिए। छोटी सी जगह पे आप इस प्लांट को लगा के अपने गार्डन को एक अलग सा लुक दे सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। जब मैंने ये प्लांट परचेस किया था तब ये छोटा सा ही पौधा था और उस वक्त मैंने इसे 40 रुपीज़ में आई थिंक या 50 रुपीज़ में ऐसे कुछ मैंने परचेस किया था। इसके बाद फ्रेंड्स छोटे हाइट में डेकोरेटिव प्लांट में आप स्नेक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। स्नेक प्लांट में फ्रेंड्स टॉल वेराइटी और ड्वार्फ वेराइटी दोनों तरह के आते हैं। अगर बहुत छोटे पॉट में लगाना है तो आप ये शॉर्ट वाली वेराइटी लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, और अगर थोड़ा बड़ा हाइट लेना चाहते हैं तो आप ये टॉल वाला वेराइटी भी लगा सकते हैं। इसमें दो तरह के मेरे पास है, आप देख सकते हैं, एक ग्रीन वेराइटी और एक ये येलो शेड वाली लाइनिंग वाली वेराइटी, तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और जगह की बात करें तो बहुत ही कम जगह कम स्पेस में ये प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है और गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट है, हार्डी प्लांट है। एक प्लांट परचेस करेंगे समय के साथ काफ़ी सारे बन जाते हैं। और प्राइस की बात करें तो ये प्लांट सिंगल प्लांट आपको 50-60 रुपीज़ में मिल जाएगा, अदरवाइज़ ये प्लांट काफ़ी थोड़ा कॉस्टली आता है, तो लगभग 100 रुपीज़ या 80 रुपीज़ के आसपास ये प्लांट मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स बारिश के मौसम में अगर आप प्लांट परचेस कर रहे हैं और गार्डन क्रिएट कर रहे हैं तो आप कैलेडियम के प्लांट को भी लगा सकते हैं। ये भी छोटे हाइट का प्लांट होता है, बल्ब के द्वारा ग्रो होता है, और एक पौधा परचेस करेंगे तो ये आपको 40 या 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर बल्ब ग्रो करते हैं तो वो 5 से 10 रुपये में मिल जाता है, लेकिन बल्ब आपको इस टाइम नहीं मिलेगा, अभी आपको प्लांट ही परचेस करना पड़ेगा। और इसमें ढेर सारे कलर आते हैं, ढेर सारी कलर के पैटर्न आते हैं, जो कि आप अपने गार्डन में लगा के गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना भी सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में लगा के इसको आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, सेमी लाइट में जहाँ हल्की फुल्की धूप आती है, तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। छोटे पॉट में लगाने के लिए फ्रेंड्स आप रेन लिली के पौधे को इस टाइम ज़रूर ही ग्रो करिए। आप देख सकते हैं जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है वैसे ही इसमें फूल खिलना स्टार्ट हो जाता है, इसमें बर्ड्स बनने लग जाते हैं। ये प्लांट परमानेंट है, बट इसमें फ्लावरिंग जो होती है वो बारिश के मौसम में ही होती है, अदरवाइज एक ग्रीनरी लुक लेने के लिए इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। प्राइस की बात करें तो फ्रेंड्स ये प्लांट 25-30 रुपये में आपको आसानी से नर्सरी में मिल जाएंगे, और ये ढेर सारे कलर में ये प्लांट मिलता है, इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर परचेस कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स काफ़ी सारे पौधे हमारे आसपास हैं जिसे कि हम छोटे हाइट में छोटे पॉट में लगा के अपने छोटी सी स्पेस में एक खूबसूरत सा गार्डन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो स्पेस वाला जो प्रॉब्लम होता है, जो स्पेस नहीं है और हम पौधे नहीं लगा सकते हैं, इसे हम काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। बस हमें जानकारी ये लेनी है कि कौन से पौधे हम छोटे स्पेस में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।